पूर्णिया पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी अखिलेश यादव और भूषण यादव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन दोनों कुख्यात अपराध कर्मियों के पास 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी मोजमपट्टी में हुए गैंगवार के अपराधी हैं। दोनों कुख्यात की गिरफ्तारी एसटीएफ और पूर्णिया पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है। मालूम हो कि दोनों अपराध कर्मियों ने बी कोठी के कुख्यात भूषण यादव के ऊपर बमबारी और गोलीबारी भी की थी। दोनों के खिलाफ कई हत्या और आर्स एक्ट के मामले थाने में दर्ज हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। कल दिनांक 3/4/2021 को संध्या में सूचना प्राप्त हुई कि रघुवंश नगर ओपी अंतर्गत सिसवा गांव है मौजम पट्टी के अंतर्गत, वहां पर कुछ अपराधी तत्व के लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ धमदाहा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और एसटीएफ की एक टीम थी। इन एसटीएफ के टीम और हमारी एसडीपीओ धमदाहा के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसने संयुक्त रूप से छापेमारी की और सिसवा गांव के पास से 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बढ़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है और एक एक मोबाइल फ़ोन है जो हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी, ये लगातार काम कर रही थी और लीड मिलने पर एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिससे हमें यह सफलता हाथ लगी। लगभग 15-20 वर्षों से आपसी वर्चस्व को लेकर वहाँ पर कई तरह की संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम इन लोग के द्वारा दिया गया है। अभी जो जनवरी में घटना हुई थी उसमें भी इन लोग की संलिप्तता थी। पूर्व की जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं उसका डिटेल आप लोग को इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। इनाम भी इनके ऊपर 50,000 रुपये, 50,000 रुपये प्रत्येक पर 50,000 रुपये का इनाम मुख्यालय स्तर से घोषित किया गया था। ये है सिंगल शटर सिक्योरिटी सिस्टम जो आपके घर, दुकान और शोरूम को चोरी होने की घटनाओं से रोकता है। इसे हम शटर के निचले हिस्से में लगाते हैं। शटर को बंद करते हैं तो ये प्लंजर नीचे दब जाता है। आपके जाने के बाद अगर कोई भी अनजाना व्यक्ति इस शटर को रॉड या किसी भी तरह से तोड़ने की मदद करता है तो देख लीजिए। मान लीजिए किसी ने शटर को तोड़ने की कोशिश की तो एक जोरदार सा साइलेंट बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर चोर खुद ही भाग जाता है और आपके रजिस्टर फोन पे मैसेज और कॉल भी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि एक मैसेज और ये कॉल आना शुरू हो गया, जिसे आपके अलावा और कोई बंद नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, तो आप हमें संपर्क करें और आपके घर, दुकान और शोरूम की जिम्मेदारी हम पे छोड़ें।